दोस्तों मेरे हाथ दे विच एक कागज़ जिहड़ा तुसी वेख रहे हो एक अदालती फैसले दा ये कागज़ है जिस दे विच एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस दे विच फैसला किया होया अदालत ने। फैसला है एक अजिहे कैदी दा जिहड़ा अपनी कैद जिहड़ी है जो उसकी निश्चित की गई सी उसनू पूरी कर चुका सी, उस दे बावजूद भी उसनू जेल चों नहीं छड्डिया गया। गल की जाए ताज़ा मौजूदा हालात की, तो जिमें चंडीगढ़ के बंदी सिंह की रिहाई में लैके मोर्चा लग्या होया है जिस दे भाई जगतार सिंह हवारा ने, भाई बलवंत सिंह राजोआणा ने, जां कोई होर है, इन्हां तों भी अलावा जिहड़े होर वख वख फिरकियां दे धर्मां दे लोग भी हो सकते ने जिन्हां दीआं सजावां पूरियां हो गईआं ने पर वो जेल दे विच्चों उन्हां नूं रिहाई नहीं मिली। आपां इस संबंध दे विच उगे वकील सुनील मल्लण होणा नाल गलबात करांगे। वकील साहब स्वागत है। सत श्री अकाल वीर जी, ते दर्शकां नूं मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल जी। वकील साहब, ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर तुसीं सानूं ये दिखाया है जी, कृपा करके इहदी जानकारी दिओ, ये केस कित्थों दे ने, की मामला सी? ये दो केस मैं फिलहाल कड़े ने क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट सी। एक इंदर सिंह वर्सिज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स, ये मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसला किया सी कि जेडे एक इंसान है उहदे जेडे फंडामेंटल राइट्स ने वो गरंटी किए गए हैं अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान च आर्टिकल 21 उन्होंने बारे जिक्र किया गया कि किसी नाल भी वो जो मूल अधिकार ने उन्होंने किसी तरीके खनन ना किया जाए। और ये एक जिहड़ा इंदर सिंह है उन्होंने 3 साल 11 महीने 5 दिन वायलेशन करते हुए ऑर्डर की उन्होंने वध सजा च रखा गया, जेल च रखा गया। शॉर्टकट जे गल सुनावां तो मानयोग अदालत ने यह फैसला दिता कि उन्हें 3 लाख रुपए की कंपनसेशन दी जाए तो विद इन 2 महीने उन्हों सर्टिफाइड कापी जिदन उन्होंने रिसीव होंगी है तो विद इन 2 महीने उन्हें 3 लाख की सजा दी जाए तो इमीजिएट उन्होंने छड़िया जाए। एक होर फैसला मैं दिखाना चाहना और राहुल शाह वर्सिज स्टेट ऑफ बिहार है, वो भी मानयोग सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है, AIR 1983 SC 1086। इस तो पहले वाले फैसले का भी मैं जिक्र कर दिना, 2022 साइटेशन का नंबर दे रहा, 2022 लाइव लॉ ब्रैकेट च MP मध्य प्रदेश 180 नंबर, जे सर्च करेंगे मेरे वकील भरा भी देख रहे होंगे तो सर्च कर लें तो उत्थों उन्होंने मिल जाएगा। और दूसरा जिहड़ा मैं तुहानूं दस्सिया रुदुल शाह वर्सिज स्टेट ऑफ बिहार का है, वह भी मानयोग सुप्रीम कोर्ट का, AIR आल इंडिया रिपोर्टर 1983 सुप्रीम कोर्ट 1086 नंबर पाउणगे निकल आएगा। ये भी मानयोग अदालत ने कहा कि जी वो इलीगल जी वो लंबी डिटेंशन की गई वो 30,000 रुपए का उन्होंने कंपनसेशन पे की जाए। और ये होर बड़िया गल्लां ने शॉर्टकट च मैं सुनाना। इस तरह जे साडे भी वीर लंबी अपनी सजा तो ज़्यादा भुगत चुके ने उन्हां वास्ते भी जे उन्हां दी डिटेल लैण तो बाद आपां एप्रोप्रिएट मानयोग अदालत को जावांगे तो सानू भी इहदे च रिलीफ मिलन दी पूरी आस है जी जी जी। और उन्हां दी रिहाई भी पॉसिबल है जे लॉ दी ब्रैकेट च होएगी ते जी। मैं कोई गलत सुनिया नहीं दे रहा, मैं क्लीयर कह रहा कि उन्होंने क्यों डिटेन किया उहदा सानू प्रॉपर आपां सरकार को उहदा नोटिस लईए भी उन्होंने क्यों डिटेन करके रख्या, लिस्ट बनाईए हर वर्ग नू जिहड़ा भी उत्थे पिया उहदे वास्ते, फिर जो भी रिव्यू पटीशन बनानी बनती है जो भी बनती है वो असीं मानयोग अदालत अगे पा के उन्होंने रिहाई बनती है। एक वकील साहब संखेप च भी जानकारी लैनी चाहवांगे कि जे कोई कैदी अपने निश्चित जिहड़ी सज़ा है उस तों वाधू समां उह सज़ा भुगत रिहा है जी, तो इस दे विच कोई अजिहे भी आउंदे ने मनुखी अधिकारां दी अगर गल कीती जावे कि जिवें कोई इंसान है तां उस नूं अपनी वंश नूं चलदा रखण वास्ते, अपनी पीढ़ी नूं चलदा रखण वास्ते भी कुछ अजिहे भी अधिकार हुंदे ने? बिल्कुल, मान लो मैं कैदी हाँ और मेरे अगे वंश मैं चलाना है तो वो वास्ते मेरे वालों या मेरी वाइफ वालों मेरे परिवार वालों एक पटीशन लग सकती है जिदे विच मैनू वो प्रोविजन दी या मैं पेरोल ते छड्डिया जाएगा, जे मैनू पेरोल ते नहीं छड्डिया जा रहा तो मैनू एक प्राइवेसी का रूम अदालत सॉरी जेल च दिता जाएगा या मैनू किसी हॉस्पिटल वास्ते दसया जाएगा या कित भी अंडर कस्टडी मैनू छड्डिया जाएगा दिता जाएगा। और उहदे विच कुछ मापदंड ने, उन्हां मापदंड नूं पूरा करदे जे असीं करांगे ते मैनू मेरा वंश अगे वधाउण वास्ते जो भी वो प्रक्रिया बायोलॉजिकल प्रक्रिया हैगी है उहदे वास्ते एक
ਡਿਫਾਈਨਡ ਵੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਈਵਨ ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਦ ਕਸਟਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਕਸਟਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲਾਅ 'ਚ ਅਲਾਊਡ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਾਂ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹੈ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੇਸ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਵੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧੁੰਦਲੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਬਿਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਲੇ ਮੈਂ ਐਗਜੈਕਟ ਜਵਾਨ ਮਤਲਬ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧੁੰਦਲੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਹੋਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ RTI ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਤ ਮਜ਼ਹਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਕੇਸ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੀਲ ਮੱਲਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨਾਭਾ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।